दोस्तों, वाराणसी से मुंबई की मेरी इस महानगरीय एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में अब तक आपने देखा था कि मैं सुबह इस ट्रेन को बोर्ड करता हूँ वाराणसी जंक्शन से। ऑन टाइम 10 बजे ये गाड़ी वाराणसी से निकलती है और फिर काशी रेलवे स्टेशन के बाद मालवीय ब्रिज के ऊपर से गंगा नदी के 80 घाट का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर ये मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, प्रयागराज, चौकी और माणिकपुर होते हुए कटनी जंक्शन पहुँच जाती है 1.5 घंटे की देरी से, और यहीं से शुरू होता है इस जर्नी का पार्ट 2। चलो, कटनी स्टेशन को और केट ही है। बेसिकली ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। WCR में आ चुके हैं हम लोग। देखो, शुरुआत किया था हमने NR से, उसके बाद आया NCR और अभी फाइनली WCR में आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या कटनी का क्या है, कटनी के चारों ओर से लाइन आती है यहाँ पे। एक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज साइड से सतना होते हुए, एक जहाँ जाएंगे जबलपुर होके इटारसी होके, और एक यहाँ से अनूपपुर से लाइन आ रही है आगे बिलासपुर साइड, छत्तीसगढ़ साइड बेसिकली आप बोल सकते हो, और एक लाइन यहाँ से आ रही बीना से बेसिकली सागर होते हुए। और ऐसे बाईपास लाइन्स भी बहुत बनी हुई हैं ऐसे ऊपर से, जो फ्रीट वगैरह ट्रेनें ज़्यादा आती हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, समोसे वगैरह तो चलो आम ही है, ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएगा, और आगे तो समोसे तो चटनी तो चलो आम ही बात है यहाँ पे, और बाकी समोसे वगैरह तो चलो आम ही बिक रहे हैं, आगे भी आपको मिल जाएंगे। और जलेबी भी है यहाँ पे, जलेबी, पकौड़ियाँ, ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको। ऐसे भागता भागता इधर जनरल के पास आ गए हूँ आगे, बस ये समोसे के लिए 20 रुपये के 3 समोसे और 1 बिरयानी। और क्या चाहिए, हो गया आज के डिनर का तो जुगाड़ मेरा। चलो अब और क्या चाहिए। चलो, वैसे अच्छा खासा स्टॉप के बाद अब जाके इसका सिग्नल हुआ है। चलो, वैसे मैंने देखा मोस्टली लोगों ने ना अपना खाने पीने का अरेंजमेंट यहीं से किया है, इवन जिनका ई केटरिंग था उनका भी, और जो ऑनबोर्ड केटरिंग है ना उनका फूड भी यहीं से लोड हुआ है जब बाद में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनको। चलो अच्छा है। वैसे माणिकपुर की तरह ही कटनी में भी आपको मोस्टली वेंडर आगे को ही मिलेंगे, पीछे वाली साइड कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो हम जर्नल वाली साइड ही होते हैं, जैसे ये चाय वाले ज़्यादातर वेंडर्स नॉन एसी कोच के पास ही मिलेंगे, है ना। बाकी कटनी जाने के बाद मैं तो समोसे वगैरह टेस्ट कर रहा था भाई, 20 के 3 ना, ये बहुत अच्छे समोसे का यार। रेलवे स्टेशन पे आपको 10 का 1 के हिसाब से मिलेंगे, 30 के 3 मिलेंगे, इन लोगों ने 20 के 3 दिए और वो भी छोटी हैं, ऐसे समोसे ही आपको 10 का 1 प्रसिद्ध करता है। बाकी जो भी है ये सही है। इसके बाद बिरयानी भी खानी, डिनर मैं आज जल्दी कर लूँगा। अभी ये चाय ली थी जो इस ट्रेन में ऑनबोर्ड केटरिंग के थ्रू मिलती है। आप रंग देख के समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं, लिटरली बता रहा, एक तो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ऊपर से इसका टेस्ट बद से बदतर है भाई। इसी में बोल, अगर आप भी कभी महानगरी में ट्रैवल करते हो मत लेना इस ट्रेन में, बाहर से ही सब कुछ लेना, स्टेशन के सहारे ही लेना, स्टेशन की चाय ले लेना। उससे अच्छा है कि आप और काम कर सकते हो कि जैसे मेरी तरह ना ऐसे एक छोटी सी कैटल कैरी कर लो, अगर आप फैमिली में ज़्यादा जाने हो इसी में, मतलब इससे बड़ी ले लो, नहीं तो इसको भरवा के रख लिया करो, वजह से आपको आसानी रहेगी। फिर मैं तो भैया इसको फेंकने जा रहा हूँ, चाय के नाम पर तो बस ये पानी है एक तरह से। बाकी चेक करते एक बार कटनी जंक्शन पे आपको कैसी बिरयानी मिलती है। हाँ, वो अलग बात है, इस ट्रेन का जो ऑन बोर्ड कैटिंग है वो उन लोगों ने भी बिरयानी ऐसे ही लोड की है, हो सकता है उनकी अलग हो मेरी अलग हो। बाकी ये मेरे को पड़ी है वैसे 90 की वेज बिरयानी, मैंने उनको कहा भी था कि भैया 80 की होती है, वो कह रहे नहीं 90 की, फिर मैंने 90 की ही दे दी है। यही है भाई इसका कुछ वेज बिरयानी, मेरे को तो कुछ खास नहीं लग रही भैया देखने में, एक पिकल मिला है और बस, बाकी चावल ही है बस, सूखा है कुछ खास नहीं मेरे को। हर स्टेशन का ना वैसे मैंने देखा एक ही हाल हो रहा है, क्योंकि आगे 2 जनरल हैं, सब लोग अब पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप पीछे वाली साइड तो ये स्लीपर में भी घुस जाएंगे ना। वैसे जबलपुर तक हम लोगों ने 514 किलोमीटर कवर किया और हम लोगों को लगभग मान के चलो 10.5 घंटा हो चुका है वहाँ से चले हुए, लेकिन डिस्टेंस फिर भी मैं कहूँगा कम ही है इस हिसाब से। वैसे भी एक तो है भी 1.5 घंटा लेट ही है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, तो प्रॉपर क्लीन दिख रहा है फ्लोर में, कोई एक भी चीज़ ना फेंकी हुई नहीं दिख रही यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, और ऐसा ही रखना चाहिए मैं तो कहता हूँ रेलवे स्टेशन। यार मेरे को अभी 5 मिनट तो हो ही होंगे यहाँ पे खड़े हुए ट्रेन को भी, लोग अभी भी पीछे को जा रहे हैं यार, आगे मुझे लगता है कोच में बहुत जगह कम है। वैसे मैं जबलपुर 3री बार आया हूँ लाइफ में, लेकिन पहली बार है कि मैं किसी ट्रेन से सिर्फ जा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था मैं ट्रेन से आया था और यहीं उतर गया था, दूसरी बार था महाकौशल यहाँ से पकड़ के गया था, अब यहाँ से जो पास होके जाना वो अलग से है। व्लॉग काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो वीडियो, उन लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं ऐसे जैसे मैं रेगुलर बनाता हूँ ना वीडियो, वैसे आज बना नहीं पा रहा, क्योंकि रीज़न वही है यार, मैं थकावट इतनी हुई पड़ी ना, और वो रातों से सही से सो भी नहीं पाया हूँ, बस 3-3, 4-4 घंटा सोया हूँ बस ऐसे कर करके, तो बस नींद भरी पड़ी है आँखों में, और अभी भी जब मैं सीट पर जाके बैठ रहा हूँ तो बस नींद ऐसे लग जाती है हल्की हल्की मेरी। चलो, 8:27 पर आई थी, अभी 8:49, अभी 8:39 हो रहे हैं, फिर भी ठीक ठाक रुक के गई है यहाँ पर। वैसे ये जगह बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है ना, पूरा IRCTC का पूरा अच्छा एक तरह से VIP लॉन्च टाइप है। जबलपुर जंक्शन,
फिर मैंने अब जाके अपना बेडिंग वगैरह तो अभी लगाया जा करके मैंने, बाकी इन लोगों ने कहा कि ऊपर ऐसे ही रख रही है बिना किसी पैकेट के, और बिना मतलब ऐसे ही बस दो बेडशीट गिन के रख रहे हैं कि आठ लोगों के हिसाब से इस कंपार्टमेंट में, बाकी ऊपर ही ब्लैंकेट पड़े हुए हैं और ऊपर ही पिलो वगैरह इधर उधर रखे हुए, तो उसमें ऐसे ही दिया जा रहा है इसमें बेडिंग वगैरह आपको, वही कुछ है यार अभी। चलो फिर डे टू और टू में मिलेंगे अब आपसे सीधा। तो देख लो भाई सुबह के बज रहे हैं लगभग आठ और यहाँ शुरू हो चुका है डे टू। ओढ़ा पे खड़ी है अभी नासिक रोड, इससे अगला स्टेशन है, लूप पे लगाया है इसको, मोस्ट प्रोबेबली सिया राजधानी से ओवरटेक खाएगी, वो भी इसके पीछे पीछे लगी हुई है। बाकी रात में नींद मेरे को बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने सुबह 6:30 का अलार्म लगाया था, तब जाके कहीं मैं पौने 8 बजे करीब उठा, और अभी 8 बजे मेरा मन हुआ कि चलो उठ ही जाता हूँ फाइनली, तो मैंने सोया रहना था आराम से। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे क्या इतनी ठंड है नहीं, तो मैं स्वेटर वगैरह सब उतार के बस ये हल्की सी ये एक पहनी हुई है ताकि ज़्यादा मेरे को गर्मी ना लगे, नहीं तो गर्मी फील होगी यहाँ पे फिर। चलो वैसे कल से लेकर अब तक इसका डिले जो है वो 1 घंटे के करीब का, या भी 57-56 मिनट ने भाई अभी टाइम से 1 घंटा लेट है, नासिक पे पहुंची है। नासिक में तो मैंने वड़ा पाव ही ले लिया यार, यही एक बनते थे लेने, वैसे भी जा तो ये रुकेगी नहीं, इसका सिग्नल ऑलरेडी हुआ पड़ा है। चलो यार बड़ी जल्दी निकल गया, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुकी है। तो ये एक ऑक्सीजन पार्लर आपको हमेशा दिखेगा नासिक पे। हर जगह आपको वड़ा पाव दिखेंगे, केले भी हैं इस साइड। तो वैसे इसको एकदम जल्दी चलाने का रीजन ये है कि पीछे इसके लगी हुई है जालना मुंबई वंदे भारत, तो उसको भी प्रायोरिटी देनी है, उस वजह से प्लेटफॉर्म 3 इसलिए किया गया। हमारे आगे आगे भी किया राजधानी निकालते, उसके आगे आगे भी गरीब तक चल रही थी जबलपुर से मुंबई वाली, तो इस रूट पे वैसे भी ट्रैफिक लग जाता है, इवन तो राजधानी भी 15-20 मिनट ऐसे लेट हो जाती है। 9 बजने को आ रहे हैं, देवालाली पे खड़ी हुई है अभी, और यहाँ पे भी मुझे लगता है ओवरटेक पड़ेगा, वही यार जलना वंदे भारत अब यहाँ से ओवरटेक करेगी। नासिक के पास बाद ना ये दो लोकल जो वेंडर्स आते हैं ना ट्रेन में, उन लोगों के ऐसी चाय मिलती है इस वाइट वाले कप में, ये जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी चाय है, मैंने अभी तक आज तक ऐसी चाय नहीं पी होगी कभी। जैसा कल कहा था ट्रेन की पेंट्री से, तो जो ऑनबोर्ड केटरिंग है ना उससे तो कई हद तक सही है, वो तो पीने लायक भी नहीं थी। इवन दो एक चीज़ मैंने और नोटिस की यहाँ पे, क्या कि फ्रूट्स वगैरह भी लोकल वेंडर्स बहुत आते हैं, जैसे अंगूर लेकर के, और अभी ये लोग अमरूद लेकर आए थे, उसको ये लोग पेरू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, मुझे लगता है महाराष्ट्रियन लोग, तो बड़े बड़े अमरूद लेकर आते हैं, और जब सीजन होता है तब अनार भी बिकते हैं यहाँ पे। मैंने मुझे याद है मंगलर स्थिति में गया नासिक के आसपास, अनार भी आपको कटे कटाए मतलब छील के आराम से निकाल के देंगे वो लोग।
भाई 10 बजने वाले हैं और लगभग हम लोगों को 24 घंटे ही होने वाले इस ट्रेन में। हम लोगों ने 1374 किलोमीटर कवर किया अभी तक, वाराणसी से लेकर अभी तक इगतपुरी खड़ी है। वड़ा पाव तो चलो यहाँ पे कॉमन ही है, वड़ा पाव है और आगे मेरे हिसाब से आपको वड़ा और इडली वड़ा भी आपको मिल जाएगा आगे चल के। वैसे मोस्ट ऑफ द ट्रेन का ये या तो कमर्शियल हॉल्ट होता है या होता ही नहीं है इसका, ये या तो टेक्निकल हॉल्ट होता है या तो होता ही नहीं, ये बेसिकली इसका तो कमर्शियल हॉल्ट है। वैसे 5 मिनट का स्टॉप था लेकिन अब पता नहीं कितनी देर रुकती है। वड़ा पाव तो चलो मिल ही रहे हैं, ऊपर से आपको खीरा भी मिल जाएगा कटा हुआ, और भी बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, इवन पर्टिकुलर स्टॉल तक लगे हुए हैं। इडली वड़ा भी पीछे मिल रहे थे मैंने, पीछे देखा इडली वड़ा भी वगैरह भी थे यहाँ। आगे आओगे तो देखोगे तो यहाँ पे आपको इडली वड़ा मेंदू वड़ा ये भी मिल जाएगा, फ्रूट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ, इवन यहाँ पे आपको पकौड़े तक मिल जाएंगे। नासिक से भी यही लिए, वैसे चलो सिग्नल भी हो गया, नासिक से भी यही लिया था और इगतपुरी से भी वड़ा पाव ही ले रहा हूँ यार। अभी महाराष्ट्र साइड आता हूँ ना मैं, मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं वड़ा पाव ही खाऊँ, भले वो लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, अभी भी यही ले रहा हूँ इस बार दोबारा। चलो इगतपुरी से तो निकल चुकी थी ये गाड़ी, इतने सारे आपको वेंडर्स मिलेंगे ना, आपको अपने पसंद की कोई ना कोई चीज़ तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। आप वैसे यहाँ से धर्मगिरी माउंटेन रेंज पे भी जा सकते हैं, पहले से बोर्ड लगा के रखा हुआ है। चलो जब तक इगतपुरी निकला अभी तब तक इसको निपटा लेता हूँ, फिर कसारा घाट भी तो देखना हमने। वैसे इस ट्रेन के पीछे बैंकर है, हमारी ट्रेन के पीछे कोई बैंकर नहीं है। वैसे जो आप ये सब सारा एक ग्रेडियंट देख रहे हो ना, जो आगे को सीधा लाइन ऊपर को जा रही है, ये बाई चांस अगर कभी किसी ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको इस लाइन पे शिफ्ट किया जाता है ताकि वो आगे चल के रुक जाए। हम नहीं चाहते कभी इसकी ज़रूरत पड़े। वैसे
गौर से देखोगे तो अभी हम लोग थोड़ा सा ग्रेडियंट को चढ़ेंगे, आगे देखना। देखो पीछे को, बस एक बात तो है, आप इस सेक्शन को जितनी बार मर्जी देख लो मन नहीं भरता है, सेक्शन ही इतना खूबसूरत है। बेसिकली देखा जाए तो मैंने कसारा घाट तो फिर भी कई बार देखा हुआ है, लेकिन वो जो थलगढ़ है ना पुणे मुंबई सेक्शन वाला, वो आज तक कभी नहीं देखा, जो लोनावाला होके जाता है उसमें मैं गया हूँ, लेकिन डे लाइट में कभी नहीं गया। मैं भी प्लान बना रहा हूँ उसमें भी कभी डे लाइट में करने का। चलो भाई अभी कसारा पहुंचने वाली गाड़ी, यहाँ का व्यू देखो एक बार। हेलो बॉस, अभी कल्याण के पास पहुंचे हैं। ये लाइन पुणे से आ रही है करजत लोनावला होकर के। हमारी गाड़ी अभी भी पौने दो घंटे के करीब लेट है। अरे भैया कल्याण, कल्याण पहुंच गई है। पाँच नंबर पे ही गाड़ी, वैसे ए सी वैसे आठ प्लेटफॉर्म का है यहाँ पे। बेसिकली आपको लोकल वगैरह मुंबई की तो आम देखने को मिल जाएगी, और एसी लोकल भी यहाँ पे खड़ी है। वैसे मैंने कभी आज तक एसी लोकल में ट्रैवल नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ अभी जैसे मुंबई कल तक तो मेरा स्टे मतलब है ही मुंबई में, ट्राई करूँगा एसी लोकल को। इसने 1456 किलोमीटर कवर किया है वाराणसी से कल्याण तक, और मतलब 50 किलोमीटर मुश्किल से बचा होगा इसका यहाँ से सीएसटी। बेसिकली हो सकता है मैं दादर पे ही उतर जाऊँ, क्योंकि दादर में ही मेरा वो स्टे है गुरुद्वारा साहब, मेरे को जाना तो वहीं पे स्टे करूँगा मैं। और इस रूट में ना बेसिकली सीएसटी से अगर मनवार जा रहे हो तो इस रूट के जो मुंबई के इंटर में आने वाले दो मेन रेलवे स्टेशन, एक दादर है और एक ये कल्याण ही है। यहाँ से लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। हमारी गाड़ी तो चलो लेट होनी थी जो हो गई है, मैंने देखा जो वंदे भारतम को ओवरटेक करके गई थी ना जालना वाली, वो भी एक घंटा लेट हो गई है। तो सोचो इस रूट पे कितना मतलब लोड रहता है। अच्छा देखा है मैंने कल्याण पे ये जो बोरी वगैरह सभी ट्रैक के किनारे पड़ी है ना, ये इन लोगों का काम होता है ट्रैक के किनारे पड़ी हुई साफ सफाई करना। अब इन लोग ये लोग साइड में हो गए क्योंकि वहाँ से आ रही है एक लोकल ट्रेन। मुश्किल है यार काम, सल्यूट है इनको यार जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। बनारस से लेकर अब तक यहाँ प्रयागराज से भी गिनूँ तो लोगों का जो उतरने का जो मतलब लोग जहाँ से उतरना शुरू होते हैं वो कल्याण से ही उतरना शुरू होते हैं। इसके बाद अब दादर उतरेंगे और उसके बाद सीएसटी तो चलो खाली हो ही जानी है। देखो मैंने कल आपको बताया था कि बनारस से ही बेसिकली वाराणसी जंक्शन से ही एक गाड़ी की आप मान के चलो 72 सीट्स होती थर्ड इसमें, 50 से ज़्यादा वहीं से भर गई थी और बाकी सब प्रयागराज में पैक हो गए थे गाड़ी। और इंटरमीडिएट लोग इसमें कम ही चढ़े, एक दो लोग ही होंगे वो इंटरमीडिएट चढ़े होंगे, बाकी मतलब बनारस से यहाँ प्रयागराज से। इवन कल्याण के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे लोगों ने तो नॉर्मली कपड़े पहने हैं, सर्दी के मजे पहने नहीं, आधी कहाँ जो कि पहनी हुई है,
मेरा तो इतना बुरा हाल हो रहा है, मैंने तो अंदर वार्मर भी पहना है, शर्ट भी पहनी और ऊपर से ये भी पहनी हुई थी। मेरे शुक्र है मैंने स्वेटर उतार दी थी, नहीं तो मेरा और बुरा हाल होना था। अब मैं एक बात आपको बता दूँ, देखो इसमें वैसे टोटल 6 स्लीपर मैंने आपको कल बताया था, जिसका किराया 655 रुपये एंड टू एंड वाराणसी से मुंबई CSMT 655 रुपये वैसे किराया टोटल, फिर भी ठीक है चलो। इसका 1715 रुपये, 1715 और 2485 रुपये है इसका सेकंड एसी का, और 4185 रुपये है इसका फर्स्ट एसी का। देखो एक एडवाइस दूंगा, अगर स्लीपर में आ रहे हो ना, हो सके तो बुकिंग खुलते ही करवा लेना। अभी मैं बुकिंग वगैरह चेक कर रहा था इसकी, तो लास्ट जो डेट बुकिंग मेरे को शो हो रही है ना, वो मई में किसी डे में शो हो रही है स्लीपर का, और उसमें भी 100 से ऊपर वेटिंग आ रहा है। तो समझ रहे हो ना, इसका बुकिंग खुलते ही बंद हो जाता है आप, और ये तो नॉर्मल डे की बात हो रही है मई के टाइम पे, और सोचो ये त्योहारों में क्या हाल होगा, इसका तो बुरा हाल रहने वाला है। हाँ, थर्ड एसी में करवा लो तो एक महीना पहले करवा लो, और सेकंड एसी पर कुछ यही कहूँगा, आराम से सीट मिल जाएगी इसमें आपको। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो देखो इसका वैसे तो ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन स्मेल वगैरह आ रही थी काफ़ी इसमें से, और सेंट्रल रेलवे की चलो एक चीज़ तो अच्छी होती है कि इसमें जो सोप देते हैं ना ये लोग, ये काफ़ी देखो गाढ़ा होता है, तो इसमें क्या आपका इसमें आप पूरा हाथ धो सकते हो, नहीं तो बाकी ट्रेनों में इतना पतला होता है वो दबाते रहो वो बस हाथ धोने में लग जाता है इतना, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छी। बाकी मतलब ठीक ही कहूँगा इसको, कुछ खास नहीं मैं कह सकता। हाँ, विक्रमशिला का होता इससे भी अच्छा था, इसका यह कि स्मेल बहुत गंदी है ना, उस वजह से कुछ खास नहीं लग रहा। बस नीचे डस्टबिन है इधर पास, ये तो चलो पुराना कोच है फिर भी ठीक है, नए वालों का तो खराब है, उल्टा इससे भी खराब है, वो तो नीचे पानी भरा पड़ा है जो अभी 2022 के नए कोच अगला वाला, इतना बुरा हाल चल रहा है। चीज़ और है कि साफ़ सफाई का मतलब ठीक ठाक है, 2-3 बार कर गए थे, लेकिन ये जो चीज़ें फेंकी फूकी दिखती हैं इसका थोड़ा लोगों को ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि इधर से खा पी के मत फेंको। डस्टबिन दोनों साइड लगे हुए हैं, किसी में भी जा करके आप फेंक सकते हो, यहाँ वहाँ मत फेंको। बस इसमें यह है कि इसमें विक्रमशिला से थोड़ा कम है, विक्रमशिला में तो भैया जगह जगह गंदगी फैली हुई थी उसके बाद। तो चलो आ गया भाई दादर रेलवे स्टेशन, लगता है लगभग गाड़ी दादर पे ही खाली होगी जिस हिसाब से क्राउड लगा हुआ है। चलो अपनी महानगरी की जर्नी इधर दादर पे ही ख़त्म हो रही है। गाड़ी जा रही है CST की, और गाड़ी ने वैसे 1 घंटा 50 मिनट डिले उतारा मुझे यहाँ पे। चलो अब मैं ढूंढता हूँ अपना ठिकाना, ये वाला दादर सेंट्रल वाला है, उस साइड पे दादर वेस्टर्न मिलेगा, इसका DR कोड है, उसका DDR है। एक चीज़ है इसका जो मुंबई से जब ये जाती है ना वाराणसी, तब इसका टाइमिंग बहुत ख़राब है, तब ये रात को 12-1 बजे के करीब चलती है, और सुबह अगले दिन 3 बजे के करीब वाराणसी पहुँचती है, वहाँ से उल्टा चलने का टाइम फिर ठीक है इसका। अब बहुत आया हूँ वैसे, उस साइड दादर टर्मिनल है जो यहाँ से ट्रेन शुरू होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वो यहीं से होती हैं। अभी चलो वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, एक ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है मेरे को, तो भैया पसीना आ रहा है अभी मेरे को, अभी फटाफट जाके ना एक तो कपड़े चेंज करने। चलो मैंने देखी है जैसे अमृतसर में मैंने पहला LHB रन किया था सरयू यमुना का शहीद, एक वैसे ही एक कोच उस अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर था, यहाँ पर भी एक कोच ऐसे ही लगाया हुआ है, ये समझ गए होगा क्या बनाना चाहते हैं ये लोग, रेस्टोरेंट ही बनाएंगे यहाँ पे। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगली जर्नी में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।